हेलो एवरीवन, ऑल अबाउट हेल्थ फ्रॉम डाइटिशियन किंजल। मैं कुछ टाइम से रुचिता दिवेकर का डाइट प्लान को फॉलो कर रही हूँ और अपने ऊपर उस डाइट प्लान को मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ कि मुझे किस तरीके से कौन सा रिजल्ट मिल रहा है। और रुचिता दिवेकर के डाइट प्लान से मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। आज मेरी डाइट का 4th डे है और आज मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मेरा काफ़ी अच्छा वेट गिरा है, मेरा ऑलमोस्ट 1 kg से ऊपर मेरा वेट गिर चुका है। एंड मैं नॉर्मल ही घर का बना खाना खाती हूँ। अभी तो कोविड चल रहा है तो जैसे मेरे छोटे बच्चे हैं तो मैं बहुत बाहर नहीं जा पा रही हूँ, इसलिए घर में सामान भी कम आता है तो मैं जो घर में है उसी से मैं अभी अपना डाइट फॉलो कर रही हूँ। लेकिन अभी आगे जाके मैं ट्राई करूँगी कि मैं मेरे बेस्ट फूड अपनी डाइट में ऐड कर सकूँ जिससे मुझे बेस्ट रिजल्ट मिले। और इस डाइट प्लान से मैं अपने ऊपर, अपनी स्किन एंड अपने हेयर में बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट चाहती हूँ कि मेरी मैं मतलब सब सारे के सारे मैं नेचुरल फूड अपनी डाइट में इंटेक कर रही हूँ। तो नेचुरल फूड से हमें बहुत ही बेनिफिट होता है हमारी स्किन एंड हेयर में। और मैं साथ साथ में सोच रही हूँ कि थोड़े बहुत मैं ड्रिंक्स भी अब ऐड करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा वेट में चेंजेस लाना है। ये डाइट बहुत अच्छे से मेरे ऊपर इफेक्ट कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मैं अब नॉर्मल सिर्फ लेमन वाटर ऐड करना चाहती हूँ। अभी कोविड चल रहा है इसीलिए हमें अपनी डाइट में विटामिन सी को ऐड करना चाहिए, इसीलिए मैं अपनी डाइट में लेमन वाटर या फिर लेमन का डिटॉक्स वाटर या तो फिर मॉर्निंग में ही अपने ड्रिंक में। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी डाइट में कुछ ड्रिंक्स ऐड करूँ जिससे मुझे और बेनिफिट्स हो। मैं अपने डाइट में सबसे बेस्ट फूड को ऐड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं आगे अपने डाइट में बेस्ट से बेस्ट फूड को ऐड करना का सोच रही हूँ कि जो मेरी स्किन, हेयर एंड मेरे वेट के लिए बेस्ट है उसको मैं अपनी डाइट में ऐड करूँ। साथ ही साथ अभी कोविड चल रहा है तो हमें हमारी डाइट में लेमन मतलब विटामिन सी का हमें बहुत ज़रूरत है। और साथ साथ में मैं अपने डाइट में शक्करकंदी भी ऐड करना चाहती हूँ, स्वीट पोटैटो। मुझे कुछ कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है जिसकी वजह से मैं अपने डाइट में स्वीट पोटैटो को ऐड करने का सोच रही हूँ। उससे हमें कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही बेनिफिट होता है, हमारी कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल भी चली जाती है। और उसके साथ मैं शक्करकंदी की स्वीट पोटैटो की कुछ रेसिपीज़ है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो आप देखिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ कॉन्स्टिपेशन के लिए रेसिपीज़ एंड कुछ डिटॉक्स वाटर की रेसिपीज़ भी आपके लिए लेकर आ रही हूँ। और आप देखिए कि मैं अपना डाइट कैसे फॉलो कर रही हूँ और मेरे स्किन और मेरे हेयर एंड मेरे वेट के ऊपर कैसे इफ़ेक्टिव हैं एंड मेरे स्किन एंड हेयर में और मेरे वेट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, आप सब कुछ मेरे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और उसके साथ साथ में बाजू में जो छोटा सा बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करती हूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं कि मैंने अपनी डाइट में कौन कौन सा फूड ऐड किया है। आज मेरा वेट है 59.45 एंड मैं उठने के 5 मिनट बाद एक बनाना एंड एक ग्लास नॉर्मल वाटर ले रही हूँ। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट में एक डोसा ले लिया है और उसके साथ मैंने नॉर्मल घर का बना सीरा ले लिया है थोड़ा सा, क्योंकि मुझे स्वीट की क्रेविंग हो रही थी आज और मुझे पता नहीं क्यों लेकिन सीरा खाने का मन कर रहा था तो मैंने थोड़ा सा सीरा ले लिया है जिसमें मैंने अच्छे से गूंद एंड सूंठ डाला हुआ है। और उसके बाद मैंने मिड ब्रेकफास्ट में आधी ऑरेंज ले ली है। लंच में मैं ले रही हूँ 2 रोटी एंड गोभी की सब्ज़ी है एंड उसके साथ मैंने दाल चावल ले लिए हैं। इवनिंग टाइम पे मैंने 1 ग्लास बटर मिल्क ले रही हूँ एंड
अब मैंने डिनर में ले लिया है दाल चावल, नॉर्मल थोड़ा सा ही दाल चावल ले रही हूँ आज मैं। थैंक यू एवरीवन।